Assalamualaikum friends, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि बहुत आसान होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। दो बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, दो कप मैदा, एक चम्मच ईस्ट, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चीनी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ों को मैं मैदे में मिक्स कर दूंगी। वन फोर्थ कप ऑयल चाहिए। अब हमें हसबे जरूरत नीम गर्म पानी चाहिए, इतना पानी हो कि हमारी डो एक सॉफ्ट सी गूंजे। हमारी जो डो है वो स्टिकी होनी चाहिए। मैं इसको एक बाउल में कन्वर्ट करके एक घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी। चिकन को मसाला लगाने के लिए हल्दी, लहसुन पाउडर, गरम मसाला, नमक हसब ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर और टिक्का मसाला, और ये सारी चीज़ें हाफ टी स्पून है। 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिए हैं, 2 टेबल स्पून योगर्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल। सारे स्पाइसेस को चिकन में डाल दूंगी। अब योगर्ट डालनी है और ऑयल, और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। डेढ़ घंटे के बाद चिकन जो है कुक करना है 10-15 मिनट तक के लिए। डो जो है अपने साइज में डबल हो चुकी है। अब हमने इसका बाउल बना के एक साइड पे रख देंगे। पिज्जा टॉपिंग के लिए जो हमें चीजें चाहिए, एक कप चीज, पिज्जा सॉस, ऑलिव्स और प्रिपेयरिंग चाहिए वो चिकन चाहिए। अब जो डो थी हमने उसको अच्छे से बेल लेना है। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। बेलने के बाद पिज़्ज़ा ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लें और उसके ऊपर पिज़्ज़ा डो रख दें।
रेसिपी कितनी आसान और टेस्टी भी थी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करें और अगर अच्छी लगी तो लाइक